गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे। सो बेटा, हम लगभग चार पांच टॉपिक्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के पढ़ चुके हैं। आज हम लास्ट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और वो है एनवायरमेंट से रिलेटेड, कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स है वो हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रही है। हर रोज एवरीडे लाइफ के अंदर हमारा जो एनवायरमेंट है, इकोलॉजिकल बैलेंस है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। कहने का मतलब है, इंडस्ट्रीज के आने से जहां डेवलपमेंट हुआ, लोगों को रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिला, लाइफ स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन इसके हमारे लिए एक साइड इफेक्ट भी हुआ है इंडस्ट्रीज के आने से। वो साइड इफेक्ट क्या हुआ है? सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है वो एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन है। कहने का मतलब पॉल्यूशन है। इंडस्ट्रीज से नॉट ओनली वन टाइप पॉल्यूशन, हर एक टाइप के जो पॉल्यूशन है वो किसकी वजह से हुए? इंडस्ट्रीज के आने की वजह से हुए। चाहे फिर वो नॉइज पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, ग्राउंड पॉल्यूशन हो, कुछ भी हो, हर एक पॉल्यूशन किसकी वजह से क्रिएट हुए? इंडस्ट्रीज की वजह से ही आए। ओके, आइए देखते हैं टॉपिक्स पर, हम फोकस करते हैं। सबसे पहला है जो बेटा, जो हमने यहां पर मेंशन किया है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। दैट मीन्स इंडस्ट्रीज की वजह से जहां पॉल्यूशन बढ़ता है, एनवायरमेंट का भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और फर्स्ट जो पॉइंट स्टेटेड करता है, एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द इमिशंस ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ETC। जो हमारा एयर पॉल्यूशन है वो कई सारी गैसेस से होता है जो हमारे लिए अनवांटेड है, और उसकी वजह से जो हमारा ब्रीथिंग करने का जो हमारा प्रोसेस होता है, जो हमारे लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें ये अनवांटेड गैसेस मिक्स्ड हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। साथ में जो ग्लोबल वार्मिंग है, या फिर हम कह सकते हैं अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है, वो इंक्रीज होता हुआ चला जा रहा है। चिमनीज ऑफ द इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस हीट लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। और जो कंपनीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर जो चिमनी लगी हुई है, उस चिमनियों से बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, और उस धुएं से जो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्टेड हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। और इसके साथ साथ जो हमने एक ओजोन लेयर के बारे में सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, उस ओजोन लेयर के अंदर भी होल हो रहा है, जो कि सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को प्योरीफाई करता है। लेकिन उस हॉल के होने की वजह से जो सन की रेज है वो डायरेक्ट अर्थ पर आ रही है, जिसके कारण से कई सारे डिजीज अर्थ पर इंक्रीज हो गए हैं, स्पेशली स्किन कैंसर। कौन सा है? स्किन कैंसर इस कारण से हो रहा है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो अर्थ पर डायरेक्ट आनी शुरू हो गई है, क्योंकि कुछ पार्ट जो है हमारी ओजोन का उसमें हॉल हो गया है, लेकिन साइंटिस्ट हमारे उसको रिपेयर करने में लगे हुए हैं। और जो ये लॉकडाउन चला हुआ है ना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हुआ है। जहां पर हमारी इकोनॉमी कंडीशन डाउन हुई है, लेकिन जो हमारा एनवायरमेंट है, जो हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, उसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। ऑटोमेटिक ओजोन लेयर वो रिपेयर हो, लगभग रिपेयर हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट है बेटा, द यूज ऑफ CFC इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिप्लेट्स ओजोन लेयर। ओके, जो कार्बन फॉरस कार्बन कंटेंट है, उसकी वजह से जो हमारी ओजोन लेयर है वो भी डिप्लेट्स हुई है, जिसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही थी वो फिल्टर्स नहीं हो पाए हैं। इन दैट रीजन कई सारे कैंसर, स्पेशली डिजीज, जो हमारा स्किन कैंसर है, वो इंक्रीज हो गया है। ओके, नेक्स्ट है बेटा, डंपिंग ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज पॉल्यूट द वाटर। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज के अंदर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक वेस्टेज होता है, उसको इंडस्ट्रीज ओपनली डंप कर देती है, या फिर हम कहेंगे जो हमारी रिवर्स है, रिवर्स में डंप कर देती है, जिससे रिवर का वाटर पॉल्यूट हो जाता है और वो हमारे यूज करने के लायक नहीं रह पाता है। कहने का मतलब है, ड्रिंकिंग के लिए नहीं रह पाता है। नेक्स्ट है, इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस पेपर, जो पेपर्स बनाती है, पल्प लुगदी बनाती है, केमिकल्स, लेदर या फिर ऐसी रेंज सबका जो प्रोडक्शन करती हैं, वो डायरेक्टली अपने वेस्टेज को
डंप करती है कहां पर, रिवर्स में, जिससे रिवर्स का जो वाटर है वो पॉल्यूट हो जाता है और हमारे यूज करने के लायक नहीं रहता है, और इसके साथ साथ कई सारी डिजीज बढ़ जाती है। फर्टिलाइजर्स ईटीसी जनरेट लॉट्स ऑफ टॉक्सिक वेस्ट विच किल्स द एक्वेटिक लाइफ, जिस कारण से सबसे ज्यादा जो खतरा है वो वाटर बॉडीज के अंदर रहने वाली जो जीव जंतु हैं, जिसको हम एक्वेटिक लाइफ कहते हैं, उनको बहुत ज्यादा डेंजरफुल है। कारण है क्योंकि वो तो वाटर के अंदर ही रहती है। ओके, जब हमारा एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का वातावरण पूरी तरह से पॉल्यूट हो जाएगा तो हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे। उसी तरह से जो एक्वेटिक लाइफ है, वाटर जब पूरी तरह से पॉल्यूट है तो उनका भी लाइफ सर्वाइवल करना बड़ा ही टिपिकल काम है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा थर्ड, हाई इंटेंसिटी साउंड जनरेटेड बाय रनिंग मशीन्स। साउंड पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले हमने एयर पॉल्यूशन रीड किया, फिर वाटर पॉल्यूशन, अब आ रहा है साउंड पॉल्यूशन। जो बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, बड़ी बड़ी प्रेसेस लगी हुई हैं, उनका रनिंग करने से साउंड जनरेट होता है, और साउंड जनरेट होने से जो हमारी हियरिंग पावर है वो कहते हैं डिक्रीज हो जाती है, जो हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है उससे ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, एंड ड्रिलिंग फैंस ईटीसी लीड्स टू नॉइज पॉल्यूशन, इट्स कॉजेस इरिटेशन, हमें इरिटेट बना देती है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट, बहरापन इसकी वजह से आता है। हार्ट अटैक भी इन्हीं का कारणों की वजह से है। ईटीसी अमंग द नियर बाई रेजिडेंट्स एंड ऑल्सो माइनिंग डिग्रेड्स द एनवायरमेंट। ओके, जो इन कंपनियों के आसपास रहने वाले लोग होते हैं उनकी जो श्रवण शक्ति होती है, हियरिंग पावर जो होती है, वो धीरे धीरे लॉस होना शुरू हो जाती है, और हम उनको लाइटली स्पीक करें तो उनको सुनाई नहीं देती। फिर उनको कैसी आदत हो जाती है, हैबिचुअल हो जाती है, साउंड में जैसा वो सुनते हैं उनको वही ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है, तब उनको सुनाई देता है। सो बेटा, इंडस्ट्रीज की वजह से ये सब पॉल्यूशन क्रिएट हुआ है। इसी तरह से माइनिंग है, माइनिंग डिग्रेड कर रही है हमारी एनवायरमेंट को, क्योंकि हम माइनिंग जोन से, जो आपके माउंटेन्स है, माउंटेन्स में माइनिंग करते हैं, अर्थ क्रस्ट को माइन करते हैं, वो सब एक तरह से डस्ट को क्रिएट करती है, डस्ट चारों तरफ फैला देती है, जिससे हमारा एनवायरमेंट पूरी तरह से पॉल्यूटेड हो जाता है। ओके बेटा, तो कह सकते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज जैसे का कोई एक नहीं है, काफी सारे टाइप्स की हैं। ओके, और ये सब इंडस्ट्रीज हमारे एनवायरमेंट को क्या कर रही है, पॉल्यूट कर रही है। लेकिन बेटा, जैसे कहा गया है कि हम अगर किसी चीज को, हमारे सामने अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम का हमारे पास सॉल्यूशन भी है, और उस सॉल्यूशन कैसे है वो एक व्यक्ति या सिंगल पर्सन नहीं कर सकता। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हर एक को वर्क करना पड़ता है, एवरीवन को वर्क करना पड़ता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, सोसाइटीज को एफर्ट करना पड़ता है, हम इंडिविजुअल्स भी वर्क करते हैं, एनजीओज भी वर्क करती हैं, जिससे कि इन इस जो पॉल्यूशन होते हैं उन सबको रिड्यूस किया जा सके। ओके, तो क्या कुछ है इसके सॉर्ट आउट, इसमें हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है बेटा, इंडस्ट्रीज शुड बी लोकेट विद केयरफुल प्लानिंग। जो इंडस्ट्रीज का सेटअप किया जाए उसको पूरे प्लान के साथ में किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं पे भी उठा के रख दी, कोई हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम नहीं, कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं जिससे कि रेजिडेंशियल एरिया के टच हो गया। ये इंडस्ट्रीज कहां पे होनी चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया से बाहर होनी चाहिए, प्रॉपर डंपिंग यार्ड होनी चाहिए, प्रॉपर हम कह सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। कहने का मीन्स है कि इंडस्ट्रीज को सेटअप करने से पहले पूरा प्लान बना लेना चाहिए। दूसरा है, क्वांटिटी ऑफ स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल इंस्टेड ऑफ कॉइल। और बेटा, जो स्मोक की क्वांटिटी उसको भी कम किया जा सकता है। कैसे, अगर हम कॉइल की जगह ऑयल का यूज करना शुरू कर दे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना शुरू कर दे, तो सिंपल सी बात है स्मोक की अमाउंट कम हो जाएगी। और इसी तरह से स्मोक प्योरिफिकेशन सिस्टम भी आजकल लगाया आया हुआ है, जिसमें चिमनियों के अंदर लगा दिया जाता है, जिससे जो कार्बन कंटेंट होता है वो वहीं पे रुक जाता है, सिर्फ स्मोक प्योर जो एयर होती है वो रिलीज होती है, और इस तरह से हम एनवायरमेंट को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं।
थर्ड पॉइंट है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ फ्यूजल फ्यूल, जितना हो सके प्रमोट करना चाहिए किसका, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का, जैसे सोलर एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, ओके, बायोगैस प्लांट है, इन सब का हमें प्रमोटिंग करना चाहिए, जिससे कि फ्यूजल फ्यूल में तो सिंपल सी बात है स्मॉग भी निकलेगा, लिमिटेड अमाउंट के अंदर भी है, वन डे एंड भी हो जाएगा, लेकिन जो हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनमें स्मॉग भी कम निकलता है और लॉन्ग टाइम तक हमारे साथ बनी भी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा नंबर फोर, मॉडर्नाइज इक्विपमेंट, इक्विपमेंट को मॉडर्नाइज करना चाहिए, पुराने को हटाकर नया सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहिए, जिससे जिसे कि साउंड, आजकल जो जनरेटर्स आते हैं वो साइलेंट जनरेटर आ रहे हैं, पुराने जनरेटर्स में बहुत ज्यादा आवाज होती थी, ओके, कैसे कहने का मतलब है एक दो किलोमीटर तक भी सुनाई देती थी, लेकिन अब साइलेंट जो जनरेटर आ रहे हैं उनमें साउंड बहुत ही कम जनरेट होती है, ओके, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे स्कूल में भी लगा हुआ है, बहुत ही कम साउंड जनरेट करता है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा सोर्स बी यूज विच कंट्रोल फिल्टर एंड सेपरेट्स हार्मफुल मटेरियल्स फ्रॉम द वेस्ट, और फिल्टर करके जो हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं उन सबको अलग कर देता है, कहने का मतलब है हमें इक्विपमेंट्स को मॉडर्नाइज करना चाहिए, प्योरिफिकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि पॉल्यूशन को कुछ हद तक कम किया जा सके, ओके, कंट्रोल किया जा सके। नंबर फाइव, वेस्ट वाटर शुड बी प्रॉपरली ट्रीटेड बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू रिवर्स, और बेटा जो वेस्ट वाटर होता है उसको डिस्चार्ज करने से पहले उसको भी प्योरीफाई कर लेना चाहिए, कई सारे प्रोसेस होते हैं हमने आपको बताया क्लास टाइम पीरियड में, केमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, उन सबको पहले सेपरेट किया जाता है, फिर केमिकल्स के थ्रू प्योरीफाई किया जाता है, रिसाइकलिंग प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, कहने का मतलब है हम वेस्ट वाटर को भी एक यूजफुल कंटेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू, क्लियर। और लास्ट पॉइंट है पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई इंडस्ट्री ऐसी जिससे पोल्यूशन क्रिएट होता है तो ऐसी इंडस्ट्रीज को टाउन और सिटी से बाहर ही सेटअप करना चाहिए ताकि उसका रेजिडेंशियल एरिया में कोई ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, ओके। सो बेटा सिंपल सी बात है, ये किसी एक के सिंगल वन के पर्सन से नहीं हो सकता, ये सब कब डन होगा, जब पूरी कम्युनिटी, कंट्री, गवर्नमेंट एक साथ वर्क करे, तब जाकर हम इस पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज भी हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हमें जॉब भी चाहिए, कंट्री का डेवलपमेंट भी करना है, ओके, जीडीपी को भी ग्रो करना है, इनकम जनरेट भी करना है, लेकिन हम इन सबको माइंड में रखते हुए अगर हम एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है अगर उसको भी कंट्रोल कर ले तो सिंपल सी बात है हम अपने हर एक अचीवमेंट को गेन कर सकते हैं, ओके बेटा। सो आज ये आपका लेसन डन हो चुका है, किसी तरह का कोई डाउट हो कोई भी आप आस्क कर सकते हैं, एनी टाइम मैसेज करें, कॉल करें, ओके। सो बेटा अपना पूरी तरह से ख्याल रखें, घर पे बने रहें, अपने पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहें, ओके बेटा, गुड बाय।